वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आपको बताया था जी कि योगा सेगमेंट के बाद हमारा स्टार्ट होने वाला है हर्बल सेगमेंट। फास्ट फूड आज इतना जरूरी क्यों हो चुका है? क्या ऐसा क्या है कि हमारा दिल नहीं लगता कि हम घर में सब्जियां खाएं और घर पे भी गोश्त वगैरह के सालन बनाए जा सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ हम बाहर आउटिंग पे क्यों जाते हैं, होटल्स में क्यों खाना पसंद करते हैं जी? क्या वहां का टेस्ट कुछ अच्छा होता है? टेस्ट अच्छा होगा ना जब गंदे गंदे हाथों से बनेगा, तो उसका तो एक अलग मजा आ जाता है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप लोग बिल्कुल ना खाएं, खाया करें, बट बहुत ही कम, वेरी रेयरली, मंथ में एक बार हो गया। अच्छा देखिए, जब हम छोटे हुआ करते थे तब कितनी बार बाहर जाया करते थे हम? तो 6-7 महीने में, साल में कभी जाकर बाहर खा लिया करते थे, बट आजकल का तो वो ट्रेंड है कि कभी कभार घर पे खाना बनता है और ज्यादातर बाहर ही खाना खाना होता है। ठीक है जी, इस पर बातें करते रहेंगे। अभी हमारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है जी, हमारे साथ मौजूद है हर्बलिस्ट, हमारी डॉक्टर भी डर्मेटोलॉजिस्ट में, ब्यूटी साइंटिस्ट है वो। क्या क्या मैं आपको बताऊं जी उनके बारे में, सरप्राइजेस देती रहती है वो हमें। आज हमारा हर्बल सेगमेंट है तो वो हमें बताएंगी कि अगर हमने फास्ट फूड खा लिया है बहुत ज्यादा सब कुछ, तो उससे बचने का क्या तरीका है कि हम अपना जितना भी हमने इंटेक किया है उसको बर्न आउट किस तरह से कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी फरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फरा? हमेशा की तरह अच्छी। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा जी, और आज हमारा मौजू है फास्ट फूड आज इतना जरूरी क्यों हो चुका है? आज इतना जरूरी तो नहीं है, जरूरी हमने कर लिया है। वही तो, क्यों है, क्यों? टाइम की कमी, आपके पास मसरूफ है, जाहिर है सारा दिन बाहर हैं, घर में खवातीन मसरूफ हो गई हैं, उन्होंने कोई ना कोई बिजनेस अपना ज्वाइन कर लिया, कोई ना कोई जॉब है, अब सुबह भागते भागते बच्चों को स्कूल भेजें, खाना बनाए, या कि वो ऑफिस टाइम पे पहुंचे, और फिर आने के बाद जब वो थक जाते हैं, वो भी थक जाती हैं, हस्बैंड भी थक जाते हैं, तो उस टाइम खाना नहीं बन सकता। या तो आपके पास कोई कुक मौजूद होना चाहिए, और समटाइम्स आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते जी जी, आप अपने शेफ को या कुक को या किसी भी ऐसी लेडी को आप अफोर्ड नहीं कर सकते जो कि खाना भी बनाए, फिर आपके घर में मासी भी आपको चाहिए, बच्चों की टेक केयर के लिए भी लेडी चाहिए जी। तो इस सूरत में जब आपको सबसे ज्यादा इजी वे क्या लगता है जी, कॉल की और आपने ऑर्डर कर लिया। इसके नुकसान बहुत है, फायदा ये है कि आपको टाइम मिल जाता है, आपको क्विक एक चीज मिल जाती है जो आपको बस बैठ के खाना है, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। आजकल आप देखें ऑयली चीजें हैं, हर चीज में तेल बहुत ज्यादा, अगर आप घर में खाना बनाते हैं अपने लिए या बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, तो आप ऑयल पे कंट्रोल करके बनाते हैं। थोड़ा सा आप देखते हैं, आप फ्रेश सब्जियां भी डाल रहे होते हैं, बिल्कुल हर चीज फ्रेश आप बना रहे होते हैं, लेकिन खाना हम जो ऑर्डर करें या मंगवा रहे हैं, हमें नहीं पता वो कब से रेडी रखा है या क्या है, वो फ्रेश फूड हमें नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आपको पता है, उसके बावजूद हम क्यों खाते हैं? फिर भी हम खाते हैं, बहुत कुछ चैनल में भी देख रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही होती है, इसके बावजूद हम खाते हैं। मैं भी लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हफ्ते में एक दफा, हफ्ते में एक बार, मुझे मतलब महीने में चार बार खा ही लेते हैं आप, हो ही जाता है। अगर आप खुद ना भी करें तो कोई ना कोई इन्विटेशन, देखें सबके साथ है ये, कोई ना कोई इन्विटेशन, कहीं ना कोई पार्टी है, कोई कहीं बर्थडे है, कुछ ना कुछ हो जाता है आपको। लेकिन लेकिन अगर आप खा भी रहे हैं, लेकिन उसको आप फिर आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आप अपने फैट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं ठीक खाना खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कम खाना खाती हूँ, मैं माशाल्लाह ठीक खाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर जो है मेरा वर्कआउट बहुत ज्यादा है, मेरी वॉक बहुत ज्यादा है, मैं चलती हूँ ज्यादा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जहाँ लिफ्ट है, अगर मैं मेरी कोशिश है कि मैं चली जाऊँ, सीढ़ियाँ चढ़ के आज मैं देखूंगी आप जाती कैसे हैं। मैं लिफ्ट के थ्रू मैं लिफ्ट होती है तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आ रही होती हूँ। अच्छा है वैसे, बहुत जबरदस्त। आपका जो है स्टेमिना बहुत जरूरी है, आपकी सांस नहीं भूलनी चाहिए, जहाँ आपको महसूस हो रहा है ना आपकी सांस भूल रही है, वहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके खून की कमी हो रही है आपके अंदर, खून की बहुत ज्यादा एनीमिया जिसको हम कहते हैं, खून की बहुत ज्यादा कमी भी आपको मोटापे की तरफ लेकर जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी जो होती है वो आपको मोटापे की तरफ लेकर जाती है। आप सीढ़ियां चलने की बात कर रहे हैं कि मतलब जरूरत नहीं होती तो मैं नहीं चलती, आजकल लड़कों का क्या हाल है, अगर अम्मा ने कह दिया बेटा दही लेकर आ जाओ, धनिया लेकर आ जाओ, वो उन्होंने फर्स्ट बाहर गए, बाइक स्टार्ट की और बस, मतलब एक गली के कॉर्नर पे भी अगर जाना है तो बाइक के थ्रू ही जाना है। तो देखें ना, इसके नुकसान आपके सामने हैं, अगर मोटापा है, घुटनों का दर्द है, छोटी छोटी उम्र में कंधों का दर्द है, हड्डियों में दर्द है, इसकी वजह यही है कि आप जो है अपनी बॉडी को सिर्फ रिलैक्स करके रखो। ठीक है जी, तो क्या ऐसा कुछ है कि अगर हमने कुछ बहुत ज्यादा हैवी ले लिया है उसको बर्न करने का क्या तरीका है? कुछ ऐसे जूसेस, कुछ ऐसे फ्रूट्स, कोई ऐसी चीज? आज हम एक ड्रिंक बनाते हैं। अच्छा जी, जिसको आप दिन में 2 दफा लें और कम से कम 3 महीने आप उसको लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जो फैट है, आपके ये साइड पॉकेट्स होते हैं जी, आपका पेट है,
पेल्विस एरिया है। नहीं, मैंने कहा था कि यम्मी खाने अगर छोड़ दे तो टम्मी निकलना ही खाता। नहीं, कुछ लोग यम्मी खा ना भी खाएं तो भी कहते हैं ना कि इसको तो हवा भी लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इनको तो वो होता है, फैमिली में रन कर रहा होता है ना कुछ। जी बिल्कुल, कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है कि वो फैट उनके ऊपर आ जाता है, खासकर पंजाबी फैमिलीज में बहुत ज्यादा होता है। आपने देखे हम लोग, मैं भी बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ जब भी हम जाते हैं आपको पता है वो सुबह सुबह मैं चाय मांगती हूँ तो वो दूध में पत्ती डाल के ले आते हैं, तो ये चीज बहुत होती है। तो हम चलते हैं आज एक आपको बना कर देते हैं जी जूस, हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल, अच्छा जी आप देखें आज तो मैं सब्जी की दुकान ले आई। मैं यही कह रही थी अभी कि ये सब कुछ देखकर मुझे भूख लग रही है। एक गिलास का पानी का ये सब देख के भूख लग रही है। स्टार्ट काम करवाना। जी बिल्कुल स्टार्ट, ये आपके पास आ गया, आप कोशिश ये करें। तो बनता है ना कि हेल्प करें। अच्छा घर पे भी कोई किसी की हेल्प करता तो कितनी खुशी होती है। अम्मा काम कर रही हो तो मिलकर जब आप खाना बना लें या कोई काम कर लें तो वो क्या होता है कि आपको बिल्कुल एक जल्दी भी हो जाता है और उसके अंदर आपको मजा भी आ रहा है, साथ थोड़ी सी गपशप भी हो जाती है और आपका खाना भी जल्दी तैयार हो जाता है। अगर दो लेडीज साथ खड़ी हो तो वो दो डिशेस तो बना ही लेंगी। अच्छा जी, आपने पानी, जैसे कि मैं कहती हूँ पानी आप दिन में कम से कम 15-16 गिलास जरूर पिए, बहुत जरूरी है अच्छी हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए। और पानी कोशिश करें, अगर आप मिनरल नहीं ले रहे हैं, आप घर में पानी को बॉइल करें, पानी को बॉइल करें, एक बॉइल उसमें आ जाता है, आप उसको स्ट्रेन करें, छानने के बाद आप उसको कूलर में या अपनी बोतलें भर के अगर ठंडा पीना है तो वैसे पानी जो है आपकी बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से पानी पीना चाहिए। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा भाग दौड़ की, काम किया और जाते हैं फ्रिज से हमने पानी ठंडा ठंडा लिया और पीना शुरू कर दिया। यही होता है। हमारे एक बहुत करीबी जानने वाले थे, उनका बेटा था 20 साल का, पंजाब की बात बता रही हूँ। अच्छा। वो क्रिकेट खेल के आया और उसको भाग के आया, वो बस उसने फ्रिज खोला है, पानी ऐसे पानी की बोतल को मुंह लगाया, आप यकीन करें वो उसी टाइम उसकी डेथ हो गई थी। अब ये बात सच है कि जो जिसकी जब मौत आनी है तब आनी है, ये अल्लाह ने लिखा है, लेकिन एहतियात आप जरूरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चलती ट्रेन के सामने लेट जाए आप, तो एहतियात ने बचाना है, एहतियात बहुत जरूरी है। अच्छा जी, ये एक गिलास पानी हम लेंगे, ये जो है जूस है ये आपके फैट्स को बर्न करेगा और आपकी स्किन को भी खूबसूरत करेगा, आपको भूख भी कम लगने देगा। और इसके अंदर हमने देखें दो चीजें ऐसी हैं, एक गाजर और एक ही ग्रेपफ्रूट। गाजर आपको पता है कि फुल ऑफ आयरन है, इसके अंदर फास्फोरस भी मौजूद होता है, आपकी ये आपको भूख से भी अंदर से कमजोरी महसूस नहीं करने देगा कि आपने अगर कोई ऐसा जूस लिया और थोड़ी देर आपने खाना वाना नहीं खाया है तो आपको ये नहीं है कि आपको कमजोरी महसूस हो रही, कमजोरी आपको महसूस नहीं होने देगा ये। ठीक है, क्या एक्सपर्ट की बात, देखो भाई जरा नाइफ है हमारे पास, उसकी जितना काम आप विदाउट नाइफ के कर सकते हैं आप बिल्कुल करें। और ये जरूरी नहीं है कि यही तो हम मोहताज हो गए चीजों के, सहूलतें होना अच्छी चीज है लेकिन जो चीज आप सहूलत के बगैर कर सकते हैं वो आप करें, कर लेनी चाहिए, बिल्कुल कर हाथ लेनी के चाहिए। अगर आपकी नेल्स बहुत ज्यादा बढ़े तो आप उसको जो खुरचते हैं ना वो नेल्स के थ्रू भी खुरच सकते हैं। अब ऐसे भी नहीं नेल्स टूट जाएंगे। अच्छा देखिए, नेल्स टूट जाएंगे क्या, जर्म्स भी तो लगने का खदशा है इसमें। अच्छा जी सालिया, देखें ये जो हमारा हरा धनिया है, ठीक है, इसको हमने किस लिए रखा हुआ है, सिर्फ हांडिया में खूबसूरती के लिए डालते हैं, डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए। लेकिन इसके कितने फायदे हैं, इसको जिसको हम फेंक देते हैं ना, इसको ये क्या कहते हैं हमारी ये जो डंडियां बिल्कुल जो होती है इसको फेंकना, आम अल्फाज में, आम अल्फाज में इसको फेंकना नहीं है, ये देखें इसको आपने अपने जूस में आपने शामिल करना है, हरा धनिया, एक गिलास पानी जी, एक गाजर और कम से कम हाफ बंच ऑफ ये इसका हरा धनिया का आधा बंच आपने इसमें शामिल करना है। ये आपके फैट को कंट्रोल करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, हरे धनिया के बहुत फायदे हैं, आप ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है ये, अगर हाई शुगर को भी कंट्रोल करता है, अगर हाई तो ये नॉर्मल कर देगा। अच्छा जी, हाई ब्लड प्रेशर है बिल्कुल मतलब कंट्रोल करता है अगर आप, हाँ इसको अगर आप ये 2 से 4 डंडिया अगर आप लेते हैं ना दिन में तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है जी। ठीक है जी, ये हो गया हरा धनिया आपने इसमें डाला, अगर थोड़ा सा पानी और आप ले आए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और भी पानी लेकर आ जाओ। अच्छा, थोड़ा ज्यादा जूस पीने, एक गिलास आप लीजिएगा एक मैं। ठीक है जी,
अच्छा जी ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे आधा okay, पानी के साथ साथ भाई फरा आपकी चाय भी यहाँ पर है। थैंक यू, ये देखें फुल ऑफ, ये मैं अपने घर से तोड़ के लाई। तोड़कर? जी। किस तरह से? घर में दरख्त है हसद। हाय ये फरा? सारी तो आप यहाँ डेली लेकर आ जाए करें ये। बिल्कुल ले जल्दी आए करूंगी, आप खाने वाली बने। ठीक है अच्छा जी, क्योंकि अभी हमारे पास वो कटर बोर्ड नहीं है तो हम इसको ऐसे करके इसका जूस जो ये ज्यादा इजी हो जाएगा, इसका जूस जो है वो आप इस तरह कर लेंगे, ये बिल्कुल एक इसको उसके बाद हमने छानना होता खाने है, को दिल चाह रहा है ना। हाँ वो आधा रखा आप खा लीजिएगा। ठीक है जी, ये हमने इसमें शामिल किया। अच्छा ये है जाति सेना, ये यहाँ पे मिलती है पंसारियों के पास, बहुत कम अवेलेबल है क्योंकि ये इंडोनेशियन है, इंडोनेशिया का पौधा है, मैंने अपने घर में लगाया हुआ, मैं ये भी घर से तोड़ के क्योंकि मैं मेडिसिन बनाती हूँ, मैं लोगों को मतलब किसी को जरूरत है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो मैं घर से मेडिसिन बना के उनको दे देती हूँ। ठीक है जी, आप भी फरा नासिर फटाफट कॉन्टेक्ट करें, बोले कि हमें ये पत्ते दे दें, क्या दे दें, जाति सेना ले लें आप। ओके, और ये कंट्रोल करता है बहुत ज्यादा आपके फैट को, बड़ी जल्दी बर्न करता है ये। ठीक है जी, अच्छा जी इसके अंदर आपने डालना है ये देखें आप लेमन, देखें ये मैं वैसे नहीं लाई हूँ लेकिन आपको इस तरह के लेमन, ये भी घर पे लगाया हुआ है, लगा हुआ है लेकिन आज मैं जल्दी में थी तो मैंने ऐसा ना हो कि सब्जियां जो बेचते हैं ना वो किसी दिन आपके पास आ जाए कि यार ये चीज मेरे पास कम है, लेमन कम है तो आप लेमन दे दे, मैं अपने ठेले पे रख के बेच कर आता हूँ। होनी चाहिए ना, आप अपने घर में हरी मिर्चे, हरा धनिया, काफी चीजें, हम लोग बचपन में मुझे याद है हमारे घर के आगे काफी बड़ा सा लॉन था, वहाँ पे तो मरले के हिसाब से जमीनें होती हैं, तो वहाँ पे मेरे अबू ने, हम पांच बहन भाई हमारे नाम के, पांचों के अमरूदों के पेड़ लगे हुए थे, वो वाटरमेलन हमारे घर में जमीन से आता था हमें पता है, गाजरे मूलियां काफी चीजें हमारे घर में मौजूद हुआ। राइट जी, अच्छा जिसमें हमने दो गिलास पानी और ये सारी चीजें हमने डाली हैं, हमने दो गिलास इसमें पानी डाला है, हाफ बंच हमने हरा धनिया डाला है, हाफ लेमन डाला है, हाफ ग्रेपफ्रूट डाला है, एक गाजर डाली है और आप समझे कि आधी प्याली जाति सेना के हमने पत्तियां डाली है, क्योंकि मैं तोड़ के लाई थी ये फ्रेश थी, फ्रेश भी वही काम करती हैं और ड्राई आपको पंसारी के पास ये ड्राई फॉर्म में मिलेंगी तो आप ड्राई भी वही काम करती हैं जो ये फ्रेश करती हैं जी। Now I start. Yes. अच्छा ऐसा होता है, हम भी घर पे भूल जाते हैं समटाइम्स स्विच ऑन करना, प्लग लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि यार ये चल क्यों नहीं रहा है, तो जब भी ऐसा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लिया करें कि स्विच ऑन है या नहीं है। सारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल एक जान हो जाना चाहिए, इसके बाद आप इसको छानेंगे, सारा असर इसका पानी के अंदर चला गया। हाँ जी ठीक है, इसको आप छान लेंगे। अच्छा ठीक है, अभी आवाज ही नहीं आएगी हमारी जो रिवर्स करेंगे, यार सालिया फरा क्या बातें कर रही हैं। अच्छा ठीक है, हो गया ये होके अब हमने, अब देखें ठीक है ये हमारा जूस तैयार है, कौन पिएगा भैया? मैं ही पी लेती हूं अभी के अभी। अच्छा ये पीने की कोई टाइमिंग्स है? इसको आप सुबह पिए, तकरीबन आपने अगर नाश्ता किया है, नाश्ते में आप एक अंडा जरूर लें क्योंकि अंडे के अंदर बहुत प्रोटीन्स होते हैं, अंडा लाजमी लिया करें एक नाश्ते में, अगर कोई अगर आप पराठा ले रहे हैं पराठे में कम घी वाला पराठा लें, उसके साथ एक अंडा लें, बल्कि कोशिश करें कि पराठे ना ही। फरा मुझे हंसी आ रही है अंडे के नाम से, पूछे क्यों? क्यों आप आगे? मैं बहुत ज्यादा शौक से खाती हूँ, अगर कोई एक अंडा ना खाकर दो अंडे खाए तो क्या होगा, प्रोटीन की कभी कमी नहीं होगी उसके अंदर या एक्सेस हो जाएगा? नहीं एक्सेस तो नहीं होगा, आपने अगर देखें दो अंडे खाए हैं। हाँ ठीक है, उसके साथ आप जब दो अंडे एक साथ ले रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आपने ब्रेड लिया है तो वो दो की जगह एक पीस हो जाएगा, अगर आप रोटी या पराठा ले रहे हैं तो फुल की जगह वो हाफ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कमी हो रही है। और अच्छी बात है अंडे तो खाने चाहिए, अमेरिका से मेरी एक फ्रेंड आई थी, वो अमेरिकन है, तो उसने कहा कि वो दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट, तो उसने 6 अंडे डेली मेरे सामने बैठ के बॉयल खाया करती थी। ठीक है, तो ये काफी पहले की बात है, मैंने कहा यार इतने अंडे, कहने लगी यार, उसने जब बताया कि वो
टोटली अमेरिकन है, ठीक है, उसकी हाइट 6 फीट की होगी। हमारे यहाँ अंडे इतने ज्यादा मकदार में खाए जाते हैं, बॉयल अंडे, कि इसके अंदर प्रोटीन भी होती है, इसके अंदर ताकत भी होती है। अल्लाह ताला ने ये एक नेमत बनाई है हमारे, बिल्कुल लिए। बिल्कुल, तो हमें बिल्कुल अपनी नेमतों से फायदा उठाना चाहिए। अच्छा भाई, देख लें, अंडे के फवायद भी बता दिया आपको फरानाज ने। ओके, अब ये कितने दिनों तक फरा हम रख सकते हैं फ्रिज में? देखिए, ये तकरीबन 2 गिलास है, तो ये 1 दिन का है। सुबह ये आप 1 गिलास अगर पी लेंगी तो फिर दूसरा गिलास कौन पिएगा? साले पिएंगे या तुम, फिर मेरा 1 गिलास रह जाएगा ना, वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये आपने क्या किया कि 1 गिलास आपने सुबह नाश्ता किया, नाश्ते के 10 से 15 मिनट, यानी कि अगर सुबह 8 बजे कोई नाश्ता कर रहा है तो 10 बजे आप 10 बजे इसका 1 गिलास ले लीजिए, एक साथ आप बना के रख लें, और रखने के बाद आप जो है इसको फ्रिज में रख लें, ठीक है। एक अच्छा, सुबह खुशबू भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, इसकी खुशबू होगी, सारी चीजें तो देखें आपके सामने ही है। तो 1 गिलास सुबह और 1 गिलास आपने इसको शाम में लेना है, जैसे खाना दोपहर का खाया उसके बाद आप कहते हैं दोपहर के खाने के बाद आप 10 मिनट की नैप जरूर लें, नहीं ले सकते जो लोग जॉब करते हैं, ऑफकोर्स वो नहीं ले सकते, लेकिन जो इस मौके से फायदा उठा सकते हैं वो जरूर उठाएं, 10 मिनट की नैप जरूर लें। शाम में आपका जो असर और मगरिब का दरमियान का टाइम होता है उसमें आप इस जूस को लें, ठीक है। इससे आप देखेंगे कि 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर आपका वेट काफी हद तक कम हो चुका है। जबरदस्त, तो इंशाल्लाह जो है वो इसको मैं। अच्छा, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है ये वो, तो वो मतलब शुगर की प्रॉब्लम है, देखिए शुगर के लोगों को ग्रेप फ्रूट खाने को कहा जाता है, हाँ जी बिल्कुल जाता है, ठीक है, हाँ। ये और ये वेट को भी बहुत जल्दी कंट्रोल करता है, और अक्सर जगहों पे मैंने देखे कि ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उनको भी ये खाने को कहते हैं। एक चीज और, अगर हम इसमें चीनी या नमक ऐड करना चाहें वो एज पर योर रिक्वायरमेंट, लेकिन आप ना करें चीनी तो आप नहीं कर सकती इसके अंदर, ठीक है। साल्ट आप जो है वो भी काला नमक जिसको हम कहते हाँ हैं जी, वो आप एक चुटकी इसमें डाल सकते हैं एज फॉर योर फ्लेवर, लेकिन आपको उसकी नीड होगी नहीं वैसे, ठीक है, तो वो आप बिल्कुल जरूर ले सकते हैं, और इसके फायदे बहुत हैं, स्किन भी अच्छी होगी और खूबसूरत होगी। ओके जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फरानाज आपका, और आपने इतना अच्छा जूस बनाया है जी, उसके लिए क्लैपिंग हो जाए फरन आपके लिए, फरा खुद भी कर रही है। ओके जी, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही साथ जाएंगे जी हम ब्रेक पे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी फैशन डिजाइनर, आपने कहीं नहीं जाना है, एंजॉय करें, देखते रहें जी, कहीं ना जाए इंडस्ट्रीजन।